तो देख सकते हैं ये बम आए हैं अकेले जो कि विकलांग है और इनका पैसा भी मतलब सुल्तानगंज में बता रहे हैं कि निकाल लिया है। इसमें रखे थे। अच्छा अच्छा 3000 रुपया था निकाल लिया कि वहाँ अच्छा अभी खाने के लिए पैसा नहीं है वहाँ पे प्रशासन को नहीं बोले। हर हर महादेव नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वक्त हैं मजमा धर्मशाला के आसपास। यहाँ एक बम देख सकते हैं, ये बम जो है कोलकाता से आए हैं और ये विकलांग बम है और अब हम इनसे जानते हैं, बहुत कुछ जानने को इनसे सीखने को भी मिलेगा। तो देख सकते हैं कहाँ से आए हैं बम, कलकत्ता से आए हैं, अकेले हैं। मतलब कितने दिन से आप जा रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने? 5 साल से जा रहे हैं। 5 साल से जा रहे हैं। अच्छा मन में क्या लेके जा रहे हैं बाबा को? बाल बच्चा के लिए। अच्छा बाल बच्चा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं? अपने भी। अच्छा अपने लिए भी। अच्छा सोमवार को पहुंचेंगे, कब जल उठाए हैं? 2 बजे रात को जल उठाए हैं। मतलब आज ही 25 किलोमीटर तक आप चल लिए। हाँ। तो देख सकते हैं ये बम जो है अभी रात 2 बजे से उठाए हैं जल और 25 किलोमीटर जो है एक दिन में अभी तय कर लिया है। अभी 5 किलोमीटर और चलेंगे, उसके बाद रेस्ट कीजिएगा, फिर सुबह को उठ चलिएगा। तो देख सकते हैं जिसके मन में श्रद्धा भाव होता है वो बाबा के दरबार आते हैं और जिसके मन में कुछ नहीं होता है वो बाबा के दरबार में नहीं आते हैं। तो कोलकाता से आए हैं ये बम, देख सकते हैं किस तरह से जो है अपने पैर के सहारे दंड देते हुए जो बम जा रहे हैं देवघर की ओर बाबा को जल चढ़ाने के लिए, और बाबा जो है इनका मनोकामना पूरा कर दिया और ये अपने लिए जो है अकेले हैं। अच्छा तो देख सकते हैं ये बम आए हैं अकेले जो कि विकलांग है और इनका पैसा भी मतलब सुल्तानगंज में बता रहे हैं कि निकाल लिया है। बताइए ऐसे ऐसे आदमी अभी इस धरती पे पैदा ले लिए। तो बम जी सुल्तानगंज में कहाँ पे आपका पैसा निकाला है? नदी नहीं है। नदी? हाँ, मतलब अजगैबीनाथ धाम इधर? हाँ। अच्छा देख सकते हैं अजगैबीनाथ धाम के और रुके हुए थे, ये कलकतिया बम है जो कि अकेले आए हैं कोलकाता से सुल्तानगंज से, अभी जो है 25 किलोमीटर तक तय कर लिया है और इनका जो है पैसा निकाल लिया वहाँ पे किसी ने। तो वहाँ बताए नहीं थे किसी को? इसमें रखे थे। अच्छा निकाल लिया। 3000 रुपया था। अच्छा 3000 रुपया था निकाल लिया, कितना निकाला? 3000। 3000 मतलब सारा रुपया निकाल लिया आपका? हाँ। तो हाँ अभी अच्छा अभी खाने के लिए पैसा नहीं है वहाँ पे, प्रशासन को नहीं बोले? वहाँ कोई नहीं था। वहाँ तो बहुत सारा प्रशासन बैठा हुआ था। लोग था, वो कुनवा में था। कुनवा में था तो बोलना चाहिए ना आपको। बोले क्या बोला वो? पता करते हैं तो पता नहीं किया तो क्या बोला वो? बोला 10-20 रुपया दिया पुलिस लोग। अच्छा पुलिस लोग 10-20 रुपया दिया है, उससे क्या होगा? 10-20 रुपया दिया है तो जहाँ 3000 रुपया आपके पास था, 3000 रुपया निकाल लिया तो 10-20 रुपया से क्या होगा आपको? तो देख सकते हैं इतना दिक्कत का सामना करते हुए बम जो जा रहे हैं इनका पैसा निकाल लिया था सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ धाम की ओर और लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो किसी ने इनका हेल्प नहीं किया है और 10-20 रुपया देकर बढ़ा दिया ही ना। ये सभी जो कांवड़िया भाई आए हुए देख सकते हैं ये सभी देवघर की ओर जा रहे हैं, सुल्तानगंज से जल उठाए हैं और बाबा धाम की ओर निकल चुके हैं। तो देख सकते हैं तो जितने भी कांवड़िया जितने भी बोलबम शिवघर देवघर की ओर आते हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि किसी के ऊपर जो है भरोसा मत करें और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी भरोसा मत करें। कहा है कि इनका पैसा जो है इस बम को जो है निकाल लिया है किसी ने और पुलिस प्रशासन जो है वो खोज ढूंढ कर नहीं दिया गया है और ये जो अभी तक जो है यहाँ से 25 किलोमीटर तय करके सुल्तानगंज से अभी मनिया धर्मशाला की ओर पहुंचे हुए हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय महादेव।